नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी भुट्टे की कॉर्न चाट। तो ये हमने ये जो एक देसी भुट्टा लिया है, इसके ऐसे दाने निकाल लिए हमने, बहुत जल्दी आसानी से निकल जाते हैं। और ये हमने ये भुट्टा है जो एक भुट्टे के दाने हैं, इसको हमने कुकर में डाल के उबाल लिया है। तो उसमें उबालने से पहले हमने उसमें आधा टी स्पून हमने मीठा सोडा डाला है, आधा चम्मच हमने नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। और वो डाल के हमने इसको दो तीन सीटी देके उबाल के रख लिया है। और ये हरी मिर्ची है, दो हरी मिर्ची काट के रखी है। ये नमक है, ये आधे नींबू का रस है, ये धनिया, हरा धनिया है, ये काला नमक, और ये वो ये जीरावन है, और ये जीरा है पाउडर, और ये काली मिर्च पाउडर है, और ये पुदीना पाउडर है, और ये हमने रवा लिया है 2 टेबल स्पून, और ये बेसन लिया है। तो जितनी ज़रूरत लगेगी उतना बेसन हम लेंगे। अब हम इसको दाने को, भुट्टे के दाने को हम इसमें डाल रहे हैं। और अब ये जो बेसन है, इसको हम जितनी ज़रूरत लगेगी उतना लेके हम इसको मिला लेंगे। ये थोड़ा 2 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है, और ये 1 चम्मच हमने इसमें सूजी डाली है। सूजी डालने से ये थोड़ा अच्छा बड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको ये बेसन से कोटिंग कर लेंगे इसकी, क्योंकि इसमें अब पानी की ज़रूरत तो है नहीं, क्यों भुट्टे के दाने जो ऑलरेडी थोड़े गीले हैं, तो इसलिए अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख लेते हैं, अगर बेसन थोड़ा कम होगा तो थोड़ा सा और डालेंगे। इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा है, तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच नमक, ये बेसन और डाल रहे हैं। और ये जो तेल है हमने गरम करने को रख दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बस ज़्यादा नमक नहीं डालेगा, क्योंकि ये ऊपर से भी डालेंगे नमक फिर बहुत तेज हो जाएगा। ये हमारी अच्छी कोटिंग हो गई है, ये देखिए अच्छी कोटिंग हो गई इसकी, दाने बिल्कुल अच्छे उसमें हो गए हैं। अब तेल गरम होगा, इसके बाद फिर हम ये दाने डालेंगे उसमें। ये तेल गरम हो गया है, अब इसको हम ऐसे हाथ से अलग अलग करके दाने को डालेंगे, और थोड़ी सी मीडियम आंच कर देते हैं। अब थोड़ी देर में जब ये दाने ऊपर आ जाएंगे तब इनको पलट देंगे। अब ये पूरे भुट्टे के जो दाने हैं पूरे ऊपर आ गए हैं, और इसमें तेल में भी झाग आना बंद हो गया है, तो ये हमारे ये जो दाने हैं अच्छे तला गए हैं। अब ये दूसरे जो बचे हैं वो दाने हैं, ये भी हम पूरे डाल रहे हैं। ये हमारे दूसरे वाले भुट्टे के दाने भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, और इसको हमें तलने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है। बरसात के मौसम में ये कॉर्न चाट अच्छी लगती है। अभी हमारी कॉर्न चाट तैयार है, हमने इसको तल के रखा है। अब इसमें हम ये मसाले रखे जो ये डालेंगे, इसमें अभी सफ़ेद नमक हम नहीं डाल रहे, क्योंकि उबालते समय हमने सफ़ेद नमक डाल दिया था। इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है 1 चुटकी, और ये आधा टी स्पून हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं, और ये जीरावन डाल रहे हैं, जीरावन आप घर पे भी बना सकते हैं, और ये काली मिर्च पाउडर है, और ये जो है पुदीना पाउडर, ये हम पूरा डाल रहे हैं, और हरी मिर्च तो आप जितना जैसा चाहो, इसमें मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ, और इसमें ये नींबू का रस डाल ले रहे हैं। अब ये सब चीज़ हमने डाल दी है, अब इसको मिला लेते हैं। इस तरह से इसको मिला लेंगे, तो इसमें पूरे मसाले चिपक जाएंगे। अब ये हमारी कॉर्न चाट तैयार है। यदि आपको मेरे कॉर्न चाट का वीडियो पसंद आया हो तो
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।